नमस्कार दोस्तों, कूल माइंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त नवी। दोस्तों बात करता हूं कुछ टाइम पहले की। तो आप जानते थे कि यूट्यूब के ऊपर ना तो 10,000 व्यूज़ ज़रूरी थे, ना ही 4,000 घंटे ज़रूरी थे। आपका जो मोनेटाइजेशन है वो आपका चैनल ऑन होते ही हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला, स्टार्टिंग में नई नई पॉलिसी आने लगी। पहले 10,000 व्यूज़ की पॉलिसी आई, उसके बाद में 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर की पॉलिसी आई। लेकिन दोस्तों आज की डेट की मैं बात करूं तो YouTube इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है कि बहुत सारे YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन जो है वो डिसेबल कर दे रहा है। और साथ में जो नए YouTube चैनल है जिनको अभी YouTube की नई पॉलिसी के बारे में पता नहीं है, उनका मोनेटाइजेशन वो होल्ड करके रख रहा है, उनको रिव्यू में डाल रहा है या फिर उनका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दे रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आपको कौन से टर्म एंड कंडीशन YouTube के फॉलो करने हैं, जिससे कि आपको जो फ्यूचर में कभी भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम ना आए आपका मोनेटाइजेशन ऑन करवाने में। वरना दोस्तों बहुत सारे लोगों के ईमेल मेरे को सच में आते हैं कि यार भाई मेरा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो रहा, और बहुत सारे लोगों की तो अच्छी खासी अर्निंग भी लगी हुई थी, मींस कि वो 15 से 20 डॉलर दिन का भी कमा रहे थे, उनका भी जो बिल्कुल काम पानी बंद हो गया, उनका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया। दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि अगर आपका मोनेटाइजेशन ऑन है तो आपके साथ ये ना हो कि आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाए, या फिर आप एक यूट्यूब क्रिएटर बन के मेहनत कर रहे हो तो मैं ये भी नहीं चाहता कि कल को अगर आप अपने चैनल के ऊपर 4,000 घंटे 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में दोस्तों आपको जो है आगे ये चीज़ देखने को मिले कि आपका चैनल जो अंडर रिव्यू में चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँगा, देखिए सबसे पहले बात तो यहाँ पे YouTube ने जो नई पॉलिसी निकाली है वो है रीयूज्ड कंटेंट। देखिए आपको मैं पहले भी इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ, एक बार फिर से कंफर्म कर देता हूँ। YouTube की न्यू पॉलिसी के अनुसार रीयूज्ड कंटेंट है दोस्तों कि आप एक वीडियो को दो बार अपलोड नहीं कर सकते, भले ही वो वीडियो आपकी ही क्यों ना हो। किसी का भी कंटेंट हो दोस्तों आप उसे जो है यूट्यूब के ऊपर यूज़ करके उसे मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कॉपीराइट कंटेंट और रीयूज्ड कंटेंट। अब लगभग दोनों जो है वो सेम है, आप जानते हो कॉपीराइट में भी ऐसा ही होता है। अब रीयूज्ड कंटेंट का ऐसा है दोस्तों, रीयूज्ड कंटेंट वो होता है जिसके ऊपर आपको जो स्ट्राइक बहुत कम मिलती है। जैसे कि मान लीजिए आपने टिकटॉक से टिकटॉक की वीडियोज़ डाउनलोड कर दी और उनको जो यूट्यूब के ऊपर आपने अपलोड कर दिया, तो ऐसे में जो जिनकी वीडियोस आपने टिकटॉक से डाउनलोड करी होंगी वो आपको स्ट्राइक देंगे नहीं। बट यूट्यूब को जो है इस चीज़ से प्रॉब्लम है, और वो बोलता है कि ये जो कंटेंट है, ये जो वीडियोस है, जिन वीडियोस के ऊपर आपको स्ट्राइक नहीं मिलती या जो वीडियोस किसी और की हैं, किसी और के द्वारा बनाई गई हैं, उन वीडियोस को अगर आप अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड करते हो तो ऐसे में YouTube आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करेगा। तो दोस्तों ध्यान दें, आपने जो भी वीडियो बनानी है वो आपकी खुद की हो, ये चीज़ आपने नोटिस करनी। किसी की भी वीडियो कहीं से भी डाउनलोड करके आपने जो है वो नहीं लगानी है, अदरवाइज दोस्तों आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया जाएगा। आपको मैं बात बताता हूँ यहाँ पर, अगर आप किसी की वीडियोज़ यूज़ करना भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है YouTube की फेयर पॉलिसी के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टफ है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है उसमें भी, लेकिन मैं फाइनली आपसे यही बोलना चाहूँगा दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए, कि आप रीयूज्ड कॉन्टेंट मिडल यूज़ की जो भी वीडियोज़ है, जो किसी अन्य क्रिएटर की वीडियो है, आप उसे अपनी वीडियो में इस्तेमाल ना ही करें तो 10 गुना बेहतर होगा आपका मोनेटाइजेशन ऑन होने में। तो उसके बाद में बात आती है ऑटो जनरेट कंटेंट के बारे में। देखिए वो होता है जैसे मान लीजिए आप अपने यूट्यूब वीडियोस बनाते हो और वहाँ पे जो आप अपना फेस कैम नहीं कर रहे हो, आप मान लीजिए कुछ ऐसा दिखा रहे हो, जैसे कि पहले आपने देखा था कि मशीन की लैंग्वेज में जो है कुछ बोला जाता था कि अपने चेहरे को गोरा कैसे करें, ये कैसे करें, है ना, अलग अलग टाइप। अगर उस टाइप की वीडियोज़ अगर आप आज बनाओगे दोस्तों तो यूट्यूब जो है उनको भी जो है मोनेटाइज नहीं करता। अब YouTube यहाँ पे चाहता है कि अगर आप वीडियो बना रहे हो, मान लीजिए आपने Google से फ़ोटोज़ डाउनलोड किए हैं और आपने उन्हें लगा दिया स्लाइड पे और पीछे से कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज बोल रही है कि ये यहाँ का जगह है, यहाँ पे इतने लोग जाते हैं, या फिर यहाँ पे इतनी घटना हुई है, कोई न्यूज़ चैनल वैसा बना दिया, तो उस टाइप की जो मोनेटाइजेशन है दोस्तों वो नहीं की जाएगी। YouTube ने इस चीज़ के बारे में क्लियर आपको पहले भी बता दिया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप वीडियो बना रहे हो, मान लीजिए आपका जो कंटेंट है, पहले तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें फेस कैम कीजिए दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए आप किसी की वीडियो को भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हो थोड़ा बहुत, और आप गूगल से फ़ोटोज़ वगैरह भी डाउनलोड कर रहे हो और साथ में जो है आप फेस कैम भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जब यूट्यूब इस चीज़ को रिव्यू करता है तो उन्हें लगता है कि भाई बंदा इस कॉन्टेंट के ऊपर मेहनत कर रहा है, और वो आपका मोनेटाइजेशन ऑन कर देते हैं। सो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी कॉन्टेंट बना रहे हो, मीन्स वो ऐसा ना हो कि मान लीजिए आप कुछ भी दिखा रहे हो ऐसे स्लाइड पर स्लाइड करके, जैसे कि फोटो को एडिट किया जाता है और वहाँ पे दिखाया जाता है ना, होता है ना कभी कभी, वैसे अगर आप दिखाते हो कि मान लीजिए वर्ल्ड के टॉप 10 ये कौन है वो कौन है, और आप जो फोटो
दिखा रहे हो, आगे की तरफ स्लाइड कर रहे हो, और नंबर वन पे ये, टू पे ये, तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि आपका मोनेटाइजेशन ऑन ना हो, क्योंकि यूट्यूब देखता है कि आप जो है कितनी मेहनत कर रहे हो अपनी यूट्यूब वीडियो के ऊपर। तो यहाँ से आप कोशिश करें कि पहले तो फेस कैम करें, अगर आप फेस कैम नहीं कर सकते तो उस वीडियो को एडिट करें। वीडियो को एडिट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी की वीडियो उठा दी, अपनी यूट्यूब वीडियो में डाल दी और उसको जो एडिट करके थोड़ा बड़ा काट दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। मान लीजिए आप जो है एक व्हाट्सएप स्टेटस का ही चैनल बना रहे हो, मैंने तो सुना था कि व्हाट्सएप स्टेटस के चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे, लेकिन कुछ लोगों के हो भी रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि नीचे जो लिरिक्स होते हैं आप उनको लिख दें, ताकि यूट्यूब को ये लगे कि भाई ये जो बंदा है, इसने जो स्टेटस बनाया है, इसने इसके ऊपर जो खुद की मेहनत भी की है। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप स्टेटस नहीं बनाए, बट मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ कि अगर आप कोई ऐसी वीडियो बना रहे हो तो उसमें आप कुछ फेस कैम नहीं कर सकते, तो आप उस वीडियो को इस तरह से एडिट करो जिससे कि ये लगे YouTube जब उस वीडियो को रिव्यू करे कि हाँ भाई किसी ना किसी के द्वारा, ये बंदे के द्वारा जो है इस वीडियो को एडिट किया गया है, अच्छी तरह से इसके ऊपर मेहनत करी गई है, तभी जो है दोस्तों YouTube आपका मोनेटाइजेशन ऑन करेगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सारी बातें हैं ध्यान योग्य रखने। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं बारीकी से आपको सब कुछ समझा दूंगा ताकि कभी भी आपको फ्यूचर में मोनेटाइजेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों आज तो मैंने आपको ये स्टेप बताया, अगर आप इन्हीं को जो अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, क्योंकि 100 out of 80% जो लोग हैं वो इसी तरह से आपका चैनल, अपना जो चैनल है उनको मोनेटाइज नहीं कर पाते इन्हीं दो कारण की वजह से। अगर आप इन तरह को, इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आई होप कि आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। और आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए।